ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड के 26वें अध्याय में श्री महेश्वर नारद जी को गुरु की पूजन विधि और महिमा बताते हुए कहते हैं कि श्री महेश्वर ने कहा, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़ों को बदलने और अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म निर्मल ग्लानी रहित सहस्त्र दल कमल पर विराजमान गुरुदेव का चिंतन करें। ध्यान में ये देखें कि ब्रह्मरंध्र वर्ती सहस्त्र दल कमल पर गुरु जी प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। व्याख्या की मुद्रा में उनका हाथ उठा हुआ है और शिष्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। मुख पर प्रसन्नता छा रही है। वे शांत तथा निरंतर संतुष्ट रहने वाले हैं और साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। सदा इसी प्रकार उनका चिंतन करना चाहिए। इस तरह ध्यान करके मन ही मन गुरु की आराधना करें। तदनंतर गुरु की आज्ञा ले समयोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुरु ही देवता के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। वे ही इष्ट देव के मंत्र, पूजा विधि और जप का उपदेश देते हैं। गुरु ने इष्ट देव को देखा है, किंतु इष्ट देव ने गुरु को नहीं देखा है, इसलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर देव है, गुरु आद्य प्रकृति ईश्वरी अर्थात दुर्गा देवी हैं, गुरु चंद्रमा अग्नि और सूर्य हैं, गुरु ही वायु और वरुण हैं, गुरु ही माता पिता और सुहृद हैं तथा गुरु ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधक की रक्षा करने में समर्थ हैं, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट हैं, उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है और जिस पर गुरुदेव रुष्ट हैं, उसके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। जो मूढ़ ब्रह्मवश गुरु की पूजा ना करके इष्ट देव का पूजन करता है, वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। साम वेद में साक्षात भगवान श्री हरि ने भी ऐसी बात कही है। इसलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर परम पूजनीय हैं।